दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनका आगे जाके जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। इसकी वजह से जो भी इस तरीके का काम करती है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, या पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ईवी में, उनका आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में बढ़ोतरी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो टाटा पावर एक कंपनी है जो 1911 में स्टार्ट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका मेन जो काम है टाटा पावर का और है द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ट्रांसमिट, जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो अभी यहाँ पे ईवी के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, तो सभी जो कंपनीज है, सभी सारे देश है जो CO2 इमिशंस को, कार्बन इमिशंस को कम करना चाहते हैं, इसीलिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की ओर जा रहे हैं, जैसे कि विंड हो, सोलर हो, इसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसके चलते आप सबको पता है कि जो भी कंपनीज अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आना चाहती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तभी इसीलिए मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में उनको सारे कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आगे उनको ज़्यादा फायदा बन सकता है। लेकिन टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो अभी फिलहाल तो थर्मल सोल्यूशन या थर्मल पावर जनरेट करती है, लेकिन आगे के कुछ सालों में वो 60% नॉन कन्वेंशनल एंड 40% कन्वेंशनल एनर्जी में, और उसके बाद बाय 2025 वो 100% नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जाना चाहते हैं। इसी वजह से उनके जो प्लान है एक ऐसा है कि जो भी उनके करंट थर्मल पावर स्टेशन है उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहे हैं, सारे की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कर रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी सोलर का प्लांट हो या कोई भी विंड का पावर का प्लांट हो, वहाँ पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे पहले इस शेयर के बारे में डिस्कस करने की वजह ये थी कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो शेयर है वो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 185% उसने रिटर्न दिए है। तो उसका जो एक साल पुराना जो लो था वो 74 रुपीज़ का था, और जो पूरा एक साल का जो हाई है वो 267 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है लगभग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया, और उसके पीछे के और रीजंस क्या है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सब यहाँ पे और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये जो शेयर है उसका पी जो रेशो है वो 51.67 है, और मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है, 77,423 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। और एनर्जी सेक्टर में वो मार्केट कैप है, तो उनका रैंक जो है क्या आपका वो 5 है, और फेस वैल्यू उसकी 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि एक वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये डे टू डे चेंज होते हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखेंगे कि जो वॉल्यूम्स अभी फिलहाल लोगों को टाटा पावर में, टाटा की सारी जो कंपनीज है, टाटा मोटर्स में, क्योंकि वो बहुत सारी गाड़ियाँ ला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी क्रेज बन चुकी है, तो इसीलिए टाटा के सारे शेयर्स में अभी जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। और उनके यहाँ पे हम टाटा पावर की रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे 2017 में जो उनका रेवेन्यू था 27,587 करोड़ था, जो बढ़ के अभी 32,468 करोड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ईयर बाई ईयर यहाँ पे कैसे रिवेन्यू बढ़ा है, और 2020 के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा से ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बताया कि 2021 में और 2022 में आपको रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज दिखने को मिलेगा वो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, इस तरीके का होगा, इसी वजह से यहाँ पे आपने रिवेन्यू देखा। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे थोड़ी गिरावट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि फिलहाल अभी कुछ सालों में उनको जो सारी कंपनीज है पावर इलेक्ट्रिक की और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, उनको नॉन कन्वेंशनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इसीलिए उनके ऊपर कुछ आगे चल के डेप्थ भी बढ़ सकता है, और इस डेप्थ के चलते उनको जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन रिवेन्यू जो था हमने देखा ज़्यादा था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 2021 का 2020 के मुकाबले में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी अगर पावर सेक्टर ईवी का शेयर आप परचेस करते हो तो कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे आप देख सकते हो। तो टाटा पावर इज इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स है 20 मिलियन प्लस, जिसके क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो जिसका है 32%, प्रेजेंस इन पावर सेक्टर अभी उनका 100+ ईयर्स है, क्योंकि 1911 में स्टार्ट हुई है। जनरेशन कैपेसिटी जो है 13,068 मेगावाट है, और इंडिया नंबर वन सोलर रूफटॉप EPC कंपनी 7 ईयर इन रो, पिछले 7 सालों से वन सोलर रूफटॉप EPC कंपनी है। सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉलेशन है वो टाटा पावर ही कर रही है। तो इसके चलते आप ये देख सकते हो कि टाटा पावर EPC कंपनी में जिसमें श्योर शॉट आगे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन
एक ही चीज है कि आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में उनका टेक बढ़ेगा, क्योंकि उनको ज्यादा आरएनडी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके चलते आपको थोड़ा यहाँ पे प्राइस में शेयर्स में वेरिएशन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो 5 साल 10 साल के बाद, तो डेफिनेटली ये शेयर में इतनी पावर है कि आपको 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसे ये बना के दे सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू आपको इस वीडियो इस शेयर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।